नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। मेरा नाम महेंद्र सिंह ठाकुर है और मैंने ग्रुप टू सब ग्रुप फोर की जो 2017 में जो एग्ज़ाम हुई थी उसे क्रैक किया था और उससे मुझे लेबर इंस्पेक्टर का पद मिला था। तो फ्रेंड्स, इस बार जो ग्रुप टू सब ग्रुप फोर की एग्ज़ाम आई है 2020 में, तो इसमें जो मैनेजमेंट का सेक्शन है फ्रेंड्स, उसके लिए मैंने वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं। तो आइए अब हम कोर्स सेट से हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि प्रीवियस सेट के जो पेपर्स थे उनमें क्या क्या किस किस टाइप के सवाल पूछते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से जनरल मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही जनरलाइज उसके क्वेश्चन आए हैं, उसमें अकाउंटिंग के भी क्वेश्चन है, मैनेजमेंट के भी क्वेश्चन है। तो आइए फटाफट हम बिना टाइम वेस्ट करें क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। तो इसका फोर्थ सेट का अपन फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन पे आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ एचआरएम इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स एंड फोरकास्टिंग पर्सनल नीड्स। तो ये क्वेश्चन जो है ह्यूमन रिसोर्स मतलब कुल मिला के प्लानिंग का एक क्वेश्चन है ये, कि इसमें पूछा है कि जो कंपनी का जो एचआर होता है वो अपनी जो कंपनी में जितने भी लोग रहते हैं, कंपनी में जो लोग रहते हैं उन्हें रखने के लिए और उनके उनको क्या क्या ज़रूरतें रहेंगी, क्या क्या किस टाइप की समस्या रहेगी, उनको पहले से ही फोरकास्ट करना। फोरकास्ट करना मतलब पहले से ही पूर्वानुमान लगाना, ये जो इस टाइप की चीज़ें रहेगी उसके लिए कंपनी का मैनेजर जो करेगा कुल मिला के प्लानिंग करेगा कि जितने भी भविष्य में जो ज़रूरतें हैं उनको हम पूरी कर लें। तो इसका आंसर रहेगा प्लानिंग। तो फोरकास्ट एक चीज़ याद रखना आपको, अगर आपको समझ नहीं आया ना ज़्यादा, तो इसका सबसे अच्छा ऑप्शन है फोरकास्ट, मतलब कुल मिला के प्लानिंग से आ जाता है कहीं ना कहीं रिलेशन इसका। अभी आगे भी आप देखोगे ना तो फोरकास्ट जो रहता है सीधे सीधे से काफ़ी सारा संबंध प्लानिंग से रहता है कि आज अपन मैं बैठ के ये सोच रहा हूँ और बाद में कुछ ना कुछ ये करना है तो मैं आगे का फोरकास्ट कर रहा हूँ, मतलब प्लानिंग कर रहा हूँ मैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। इन द ट्रायल बैलेंस इफ द वेजेस आर कप्ड विद सैलरीज एंड इज शोन एज सैलरीज एंड वेजेस देन इट इज रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अपन डायरेक्टली इसके सही आंसर पे आ जाते हैं, ये गलत आंसर को कट कर देता हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, सबके अपने अपने मतलब हैं। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी का जो ट्रायल बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस मतलब जो बैलेंस शीट होती है कंपनी का, जितना भी प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, कुछ भी जो हो गया कंपनी का, वो कहाँ पे आता है। और सैलरीज जो रहती है कंपनी की कुल मिला के ये खर्चे रहते हैं जो कंपनी के जो अकाउंट में आते हैं, खर्चे आ जाते हैं। ठीक है, तो उसको कंपनी के अकाउंट में अपन ऐसा तो एक्सपेंसेस तो दिखा नहीं सकते क्योंकि वो वैसे एक्सपेंसेस नहीं है। सैलरीज एंड वेजेस जो है कुल मिला के जो है कंपनी की एक तरीके के खर्चे हैं जो कि उस टाइप के खर्चों में नहीं आएंगे जो आप सैलरीज एंड वेजेस जो है कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। फ्रेंड्स, आप हमेशा याद रखना, अगर कभी इस टाइप से पूछा है सैलरीज एंड वेजेस कहाँ पे आते हैं, किसी कंपनी के कौन से बैलेंस में शीट में आते हैं, कहाँ पे आते हैं, तो वो आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बहुत सिंपल सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें इतना टफ भी नहीं है। तो आइए अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ऑफ दीज टाइप्स ऑफ स्टिमुलेशन एक्सरसाइजेस आर ट्रेनीज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टीम्स एंड आस्क्ड टू प्ले रोल्स फॉर कम्पीटिंग फर्म्स इन अ स्टिमुलेटेड मार्केट। ठीक है, अब ये बड़ा ही अजीब, मैंने खुद ने इस टाइप का पहली बार सुना है कि इस टाइप की कोई चीज़ भी होती है। इसमें पूछा ये है कि कोई किसी कंपनी में कौन सी ऐसी एक्सरसाइज हैं जो जितने भी जो लोग हैं उनको काम करने के लिए जो रख लेते हैं, उनको ट्रेनीज को काम करने के लिए जो कौन कौन सी एक्सरसाइज जो करवाते हैं। तो इसका सबसे पहले हम डायरेक्ट आंसर पे आते हैं, इसका है आंसर बिजनेस गेम। बिजनेस गेम इस टाइप की चीज़ है जिसमें एक स्टिम्युलेटेड मार्केट बना देते हैं। स्टिम्युलेटेड मार्केट मतलब वो ऐसा मार्केट होता है जो कुल मिला के एक भ्रांति के टाइप दिखता है। जैसे आपने देखा होगा ये जो पायलट होन रहते हैं, जब हवाई जहाज को उड़ाने से पहले पहले जितने पायलट होन रहते हैं सबके सब वो क्या बोलते हैं कि एक स्टिम्युलेशन में बैठते हैं। स्टिम्युलेशन वाला एक रूम होता है जिसमें खुद वो उड़ाते हैं हवाई जहाज को, सामने स्क्रीन लगी रहती है। तो एक स्टिम्युलेटेड मार्केट बना देते हैं। और कौन सी एक्सरसाइजेज है जिसमें कंपनीज जो है उनको, कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको बिठा देते हैं अपने कंपनी के, एक गेम तरीके का खिलाते हैं उनको कि उनको प्लेग्राउंड भी लगे और सब कुछ लगे उनको। तो कुल मिला के है कि बिजनेस गेम्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें स्टिमुलेशन एक्सरसाइज रहती है, जिसमें उनको टीम्स में बांट देते हैं और उनको सबको अपने अपने रोल्स दे देते हैं कंपनी वाले। तो वो एक तरीके का बिजनेस गेम हो जाता है। वो एक बिजनेस गेम एक बेसिकली एक टर्मिनोलॉजी है, आप इसको ऐसे से डायरेक्ट लिख लेना, बिजनेस गेम्स इज अ काइंड ऑफ स्टिमुलेशन एक्सरसाइज इन विच द कंपनी एम्प्लॉयज आर डिवाइडेड इनटू टीम्स एंड आर टोल्ड टू प्ले सम काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव गेम्स रिगार्डिंग फॉर्म्स। इस टाइप से आप लिख लीजिएगा कॉपी में। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, व्हाट इज रीइंफोर्समेंट थ्योरी बेस्ड ऑन। तो ये सीधे ऑनलाइन फैक्ट है, इसमें समझने ऐसा कुछ नहीं है, आप सीधे के सीधे इस पर याद ऐसा रख लेना। रीइंफोर्समेंट थ्योरी जो है लर्निंग रीइंफोर्समेंट थ्योरी जो है किस पर बेस्ड है, लर्निंग थ्योरी एंड वर्क्स ऑफ स्किनर। स्किनर करके कोई जो थे विचारी थे, विचारवादक थे आदमी,
जो मैनेजमेंट के विचार करते थे और टर्म्स लाते थे वो स्किनर पे उनकी री एनफोर्समेंट थ्योरी बेस्ड है, ऐसे लिख लेना, री एनफोर्समेंट थ्योरी बेस्ड ऑन स्किनर, ठीक है, ऐसे आप लिख देना री एनफोर्समेंट थ्योरी डायरेक्ट स्किनर, आप ऑनलाइन फैक्टर से लिख लोगे तो सिंपल रहेगा आपके लिए, ठीक है। आते हैं, अब हम आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। बैलेंस शीट इज बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन डैश, मतलब ये कुल मिला के एक तरीके की जो टर्मिनोलॉजी है, मतलब क्या बोलते हैं उसे, कि अपनी इक्वेशंस रहती है ना, इक्वेशन ही डायरेक्ट पूछी है उसमें, तो डायरेक्ट हम इक्वेशन पे आ जाते हैं। ये इक्वेशन को आपको समझा देता हूँ मैं, इसमें पूछा ये है कि बैलेंस शीट जो है किस चीज़ पे बेस्ड रहती है, तो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ऐसे करके लिख लो, एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है, इस पर बैलेंस शीट बेस्ड होती है। एसेट्स क्या होती है, कंपनी के पास जितनी भी संपत्ति होती है, जैसे किसी किसी कंपनी के पास संपत्ति हो गई, उसके फर्नीचर हो गए, उसकी गाड़ियाँ हो गई कंपनी की, और भी जो दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग हो गई, ये कंपनी की एसेट्स हो गई है। और लाइबिलिटीज वो है जो देनदारियाँ होती है, देनदारियाँ वो जो कि लोगों को देनी रहती है, कुछ भी पैसा अगर किसी से अपन ने उधार लिया है तो वो देना है, तो वो लाइबिलिटीज हो गई, जिम्मेदारी हो गई। और कैपिटल वो है मतलब पूंजी है, अगर कुछ कैश होगा बैंक में होगा, कैश वैश ये सब जो जितना भी ऐसी चीज़ें रहती है वो सब कैपिटल में आ जाती है। तो कुल मिला के कंपनी की जो पूरी संपत्ति जो रहती है वो एसेट कहलाती है, उसमें से लाइबिलिटीज जो रहती है वो भी, और जो रहती है ये पूंजी जो रहती है वो भी, जोड़ के एसेट्स हो जाती है। बस आप ऐसे याद रख लेना, ज़्यादा इसमें कुछ है भी नहीं समझने लायक, ठीक है। अब आते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट फॉर अ जॉब अमंग द अवेलेबल कैंडिडेट, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसमें पूछा है कि कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसमें को अपने अपन को कोई कंपनी का है जो सबसे किसी एक काम के लिए सबसे सूटेबल आदमी ढूंढेगा, तो सीधे से इसका आंसर है सिलेक्शन चयन प्रक्रिया है। अब इसमें जो ये भर्ती का जो ऑप्शन है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर आप इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि चयन और भर्ती में फ़र्क होता है। भर्ती जब हो जाती है उसकी एक्चुअली भर्ती जो है परीक्षा वरीक्षा इन सबसे होती है, चयन जो रहता है सीधे सीधे अपन ने चयन कर लिया है, ठीक है, और ये प्लेसमेंट भी नहीं आएगा और ये मूल्यांकन भी नहीं आएगा। थोड़े से इसके जो ऑप्शन है वो सारे ट्रिकी हैं, पर आप उस पर मत जाना, डायरेक्ट जो आपका जो मेन आंसर है अपन सीधे चयन सिलेक्शन पे जाएंगे। और सिलेक्शन को कुल मिला के आप ऐसा वापस आप समझ लो कि सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा है जिसमें वो किसी सिलेक्शन प्रोसेस एक ऐसा है जिसमें किसी काम के लिए सबसे सूटेबल पर्सन को अपन चुनेंगे, ये सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक। अब हम आते हैं सेवन्थ क्वेश्चन पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया विच मेथड फॉल्स अंडर डिस्काउंटिंग कैश फ्लो क्राइटेरिया, अब ये थोड़ा सा मैनेजमेंट के डीप का क्वेश्चन है, एक्चुअली अकाउंटिंग का क्वेश्चन है ये, अकाउंटिंग का क्वेश्चन है ये। तो इसमें ये पूछा है कि डिस्काउंटिंग कैश फ्लो का जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है वो किस में आता है, तो कुल मिला के बस ऐसा है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है का जो मेथड है वो डिस्काउंटिंग कैश फ्लो क्राइटेरिया में आता है, बस आप ऐसा लिख लो। ज़्यादा एक्चुअली बहुत डीप का क्वेश्चन है ये मैनेजमेंट का, अपने पास इतना समय नहीं है, बाकी अपने को पीएचडी भी नहीं करनी है, तो आप ऐसा करके याद कर लो इसको। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है एक मेथड है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक मेथड है विच फॉल्स अंडर डिस्काउंटिंग कैश फ्लो क्राइटेरिया, ठीक है, ऐसा आप लिख लो। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है एक मेथड है जो कि आता है डिस्काउंटिंग कैश फ्लो क्राइटेरिया के अंदर, कैसा आया है लिखो, शॉर्ट में लिखो, आप ज़्यादा आपके पास इतना वो नहीं है समझ नहीं है, और नई चीज़ें तो समझ में और ज़्यादा दिक्कत आएगी। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक मेथड है जो आता है किसमें, डिस्काउंटिंग कैश फ्लो के क्राइटेरिया में, ऐसे करके आप लिख लो, ठीक है। अब हम आते हैं एट क्वेश्चन पे। एट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर टू सीमलेस कम्युनिकेशन, इसमें कुल मिला के ये है बात कि जो अपन अभी तक अपन ने सीखा है कि जिस क्वेश्चन में अगर नॉट पूछा है, मतलब नॉट वाला जो है वो ऑप्शन ही नहीं अपना, और उसको अपने को उससे मतलब भी नहीं है, तो इसमें अपन नॉट को है वो काट देते हैं अपन, ठीक है, नॉट को अपन काट देते हैं और डायरेक्टली इसका जो आंसर है, आंसर को भी अपन प्रॉपर प्लानिंग जो है इसका, जो कि अपना आंसर बेसिकली अभी समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, तो इसको भी काट देते हैं। अब अपन ऐसे इसको सीखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर टू सीमलेस कम्युनिकेशन, ठीक है, मतलब जो सीमलेस कम्युनिकेशन वो होता है एक बहुत ही प्रॉपर संवाद, जो मेरे और आपके बीच में प्रॉपर संवाद हो रहा है, अभी मान लो अगर बहुत ज़्यादा शोर होता कुछ होता तो वो मेरे लिए बैरियर हो जाते हैं, ठीक है। तो अब अपन सबसे पहले आते हैं फॉल्टी ट्रांजिशन। फॉल्टी ट्रांजिशन ये होता है कि मैंने कुछ बोला आपने कुछ अलग समझा, ये हो गया फॉल्टी ट्रांजिशन, ठीक है, ये बैरियर टू सीमलेस कम्युनिकेशन है, ठीक है, ऐसे करके। डिस्टॉर्टेड कम्युनिकेशन मतलब ये है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ और बीच में से अपन फोन पर अपन बात करते हो तो खरखर खरखर आवाज़ आती है ना,
सेम टू सेम ऐसे ही है, फॉल्टी ये डिस्टॉर्टेड कम्युनिकेशन उसको बोलते हैं। तीसरा है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, कि कोई मैसेज को बहुत ही गंदे तरीके से व्यक्त किया गया, कुछ बोलना है ऐसे करके, इस टाइप से चीज़ जो होती है ना, ये बैडली एक्सप्रेस टाइप के मैसेज आ जाते हैं। तो ये एक बेसिकली सीमलेस कम्युनिकेशन है, जो बहुत ही सरल जो कम्युनिकेशन है ये उसका एक बैरियर होता है। ये तो तीन ये बैरियर है। अब आते हैं हम 9th क्वेश्चन पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो अपना अभी क्राइटेरिया क्या था कि अपन नॉट द ऑब्जेक्टिव वाला है, इसको काट देते हैं अपन, ठीक है। तो आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो ठीक है, इसका आंसर है ये वाला है, इसको अपन काट देते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो इससे अपन इस क्वेश्चन से अपन चार चार चीज़ सीख जाएंगे। एक तो ट्रायल बैलेंस की अपन डेफिनेशन सीखेंगे, और हर एक चीज़ जो इसमें ट्रायल बैलेंस में जो इसमें भी ज़रूरी रहती है वो सारी अपन सीखेंगे, ठीक है। तो अपन फर्स्ट अपन आते हैं इसमें इस टाइप से, इस क्वेश्चन को पूरा मैंने कन्वर्ट कर दिया है जिससे क्वेश्चन की जो फिजिबिलिटी ज़्यादा अपने को अच्छे से आएगी समझ में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस क्या होता है किसी भी कंपनी का, वो एक लेजर अकाउंट होता है जिसमें जितने भी कंपनी के क्रेडिट डेबिट जो पैसा आया गया ये सारी चीज़ें जो रहती है एक अकाउंट में लिखी रहती है, तो उसको ट्रायल बैलेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या है, चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज। मतलब इसका मतलब ये है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज मतलब ये है कि जितनी भी अकाउंटिंग एंट्रीज है, पैसा आया गया लिया दिया जो भी करा, उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी मतलब वो ये है कि कुछ सही लिखा 100 रुपये की जगह 200 रुपये तो लिख दिए, इस टाइप की जो भी एक्यूरेसी है वो चेक करना है, ट्रायल बैलेंस का ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। और दूसरा है बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण के लिए आधार बनाना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी का जो भी रहेगा, आखिरी में कितना पैसा गया, आखिरी में कितना पैसा आया, देना करा, उसका जो बेस बन जाएगा, ट्रायल बैलेंस का ऑब्जेक्टिव है उसका भी बेस बनाना, ठीक है। और उसके बाद समराइजिंग लेजर, मतलब वही आखिरी में जो इन सब का जो समराइज हो जाता है, टोटल जो आता है जो भी कंपनी का, ऐसी ट्रायल बैलेंस की कोई किताब रहेगी, उसमें जो भी जितना भी आया गया लिया गया जो भी करा ये करा, आखिरी में जो लिखा हुआ है वो समराइज हो जाएगा, ठीक है, वो समराइज हो जाएगा, और जो है ट्रायल बैलेंस का वो ऑब्जेक्टिव बन जाता है। कुल मिला के ये है कि ट्रायल बैलेंस में तीनों की तीनों चीज़ें जो ऊपर ऊपर के पॉइंट हैं सारे आपने समझ गए होंगे कि ये ट्रायल बैलेंस के ऑब्जेक्टिव हैं। अब इनको आप तीनों की तीनों को इस टाइप से अपनी कॉपी में उतारिएगा तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा ये, ठीक है, और समझने में आगे के लिए भी बहुत सही रहेगा। अब आते हैं हम 10th क्वेश्चन पे। अ कंपनी डिसाइड्स टू डिक्लेयर इंडियन रुपीज 20,000 एज कैश डिविडेंड टू शेयर होल्डर, इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट एज कैश फ्लो अंडर डैश एक्टिविटीज। तो ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स थोड़ा सा सिंपल भी है और थोड़ा टफ भी है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। ये एक कंपनी है, ठीक है, वो डिसाइड करती है कि जितने भी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं जिनका कंपनी में हिस्सा है, कंपनी बनने से पहले सबने अपने पैसा लगाया होगा, उन सबको वो देने का सोच रही है 20,000 रुपये सबको देगी, ठीक है, 20,000 उसके शेयर होल्डर्स को देगी, ठीक है। तो वो कंपनी के कौन से अकाउंट में आएगा, किस चीज़ में दिखेगा, तो कुल मिला के है वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में आएगा, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। अब देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो कंपनी के खर्चे नहीं है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट तो कर नहीं रही है तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में नहीं आएगा, और अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ में भी नहीं आएगा क्योंकि वो कंपनी के कोई उस टाइप के एक्सपेंसेस नहीं है जो लिए दिए, वो कुछ उस टाइप का नहीं है, डायरेक्टली फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है जो कंपनी के जो मेन जो फाइनेंस ट्रायल बैलेंस वाले जो अकाउंट है उसमें आएगा ये, ठीक है। तो ऐसा करके आप लिख लेना फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में क्या आता है, जब एक ऐसा करके लिखो आप इसको तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में क्या आता है, जब शेयर होल्डर्स को पैसा देते हैं, शेयर होल्डर्स का पैसा, ऐसे आप लिख लो, शेयर होल्डर्स का पैसा देना भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज में आएगा, शेयर होल्डर्स का पैसा देना भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज में आएगा, ठीक है। अब आते हैं 11th क्वेश्चन पे। अब आते हैं 11th क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट दैट एन ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट्स टू अचीव। तो कुल मिला के बस ये पूछा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्या अचीव करना है, कुल मिला के तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य है वो अचीव करना है। कोई ऐसा कोई बहुत ही भारी क्वेश्चन नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो सिंपल सा स्कोरिंग क्वेश्चन था ये। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है, कुल मिला के हर एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है पैसा, ठीक है, पैसा कमाना ही हर एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है, भले ही वो अपने आपको समाज सेवक बताए कुछ भी बताए, पर फाइनल क्योंकि हर चीज़ से खर्चे होते हैं और खर्चे कम को पूरा करना ही किसी संस्था का लक्ष्य होता है और अपना प्रॉफिट। अब आते हैं 12th क्वेश्चन पे। इन विच ऑफ दिस एम्प्लॉय स्टॉक एक्सचेंज प्लान, नहीं, इन विच ऑफ दिस एम्प्लॉय स्टॉक प्लान द कंपनी ग्रांट्स एन ऑप्शन टू इट्स एम्प्लॉयज टू एक्वायर शेयर्स एट फ्यूचर डेट।
तो ये बहुत ही एक स्टॉक से रिलेटेड क्वेश्चन है जो बहुत डीप में पूछा है इसमें, कि पहले डायरेक्ट हम इसके आंसर पे आ जाते हैं। इसका आंसर है कर्मचारी स्टॉक विकल्प अधियोजना, कर्मचारी स्टॉक विकल्प अधियोजना जो है इसका आंसर है। ठीक है, अब ये दूसरी सारी चीज़ें काट देता हूँ क्योंकि आप सब कंफ्यूज हो जाओगे। अपन सिर्फ क्वेश्चन और उसके आंसर पर फोकस करेंगे, जो कि अपना मेन लक्ष्य यही होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन को आप एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। इनमें से किस कर्मचारी शेयर योजना में कंपनी कर्मचारियों को एक भविष्य की तिथि पर शेयर लेने के लिए विकल्प प्रदान करती है? ठीक है, तो कौन सी ऐसी योजना है, सवाल पे अपन नॉर्मल हिंदी में आते हैं, कौन सी ऐसी योजना है ठीक है जिसमें कंपनी जो है अपने जो शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, ठीक है, या तो कंपनी के जो बाहर के जो लोग हैं उनको शेयर लेने की एक भविष्य की एक तिथि प्रदान करती है, भविष्य की एक डेट प्रदान करती है कि जिसमें आप इस तारीख को हमारी कंपनी से आके शेयर ले लेना। तो ये कौन सी ऐसी स्कीम रहती है किसी कंपनी में? तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम होती है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। ठीक है, जिसमें किसी कंपनी में कोई भी जो जिनको शेयर खरीदना है तो उनको एक डेट टाइप की मिल जाएगी कि इस दिन आपको डेट मिलेगी। कुल मिला के स्कीम ही रहेगी और कुछ भी नहीं है ये। ठीक है, अब आते हैं हम 13 क्वेश्चन पे। मिडिल लेवल मैनेजर्स विल बी कंसर्न्ड विद डिविजनल ऑब्जेक्टिव। सीधे ही सीधे डिविजनल ऑब्जेक्टिव पे आ जाओ, फालतू चीज़ें सब काट दो, तो मतलब नहीं है उनको समझने से, कंफ्यूजन रहेगी। तो कंपनी के जो मिडिल लेवल के मैनेजर्स होते हैं, जैसे असिस्टेंट मैनेजर हो गया और मैनेजर हो गया, ये मिडिल लेवल होते हैं। और हाई लेवल के मैनेजर होते हैं, सीईओ होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ये सीईओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होती है, बीओडी बोलते हैं जिन्हें। ठीक है, ये सब कंपनी के हाई लेवल पे जाते हैं। मिडिल लेवल मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर टाइप के जो लोग रहते हैं उनका काम रहता है डिविजनल ऑब्जेक्टिव से फोकस रखना। डिविजनल ऑब्जेक्टिव मतलब उनको कुछ छोटे छोटे काम बांट दिए हैं, असिस्टेंट मैनेजर को ये बांट दिया, वो बांट दिया, फाइनेंस मैनेजर को जो भी है, तो उनको अपने जो उनका जो काम रहता है उनको केवल उतना ही फोकस करना रहता है। अब हम आते हैं 14 क्वेश्चन पे। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देखना, और इसमें बहुत अच्छा कंसेप्ट भी है। डेब्ट इज चीपर सोर्स ऑफ फंड, ठीक है, ऋण निधि का एक सस्ता स्रोत है, मतलब इसको नॉर्मल हिंदी में बोले लोन जो है पैसे कमाने का या पैसे इकट्ठे करने का एक अच्छा स्रोत क्यों है? ठीक है, इसका डायरेक्ट हम आंसर पे आ जाते हैं। यह है इसका आंसर, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस एंड हेंस इट रिड्यूसेस द टैक्सेबल इनकम्स। ठीक है, अब इसको ऐसे समझाता हूँ, मेरे को पैसा चाहिए, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, कहीं से लोन ले लूंगा मैं। ठीक है, मेरे को 5 लाख रुपये चाहिए, मैंने 5 लाख रुपये का लोन ले लिया। अब वो लोन ले लिया मैंने, अब वो लोन को चुकाऊंगा मैं, हाउसिंग लोन है मेरा, मान लो 5 लाख रुपए का हाउसिंग लोन है, अब हाउसिंग लोन में चुकाऊंगा मैं, तो ठीक है, अब वो हर महीने के मेरे कुछ किस्त कटेगी। जब तो वो किस्त कटेगी तो किस्त को मैं खर्चे में एक्सपेंस में ले लूंगा अपने, और वो मेरी जो टैक्स कटता है इनकम से, जो मेरी तनख्वाह है, तनख्वाह में से जो टैक्स कटेगा ठीक है वो उसमें सहायक रहेगा, क्योंकि वो उसमें से मैं खर्चे में ले लूंगा और उसको जो मेरी पूरी तनख्वाह का जो रहेगा जो हिसाब रहेगा उसमें से खर्चे 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 में निकल जाएंगे। तो ये कुल मिला के जो ये फायदा ऐसे देगा ये, क्योंकि ये कुल मिला के मेरा टैक्स बचाएगा और कुछ नहीं है, ये टैक्स बचा देगा। ये बहुत ही ट्रिक था इस क्वेश्चन में, और ये बहुत काम की भी चीज़ है। देखा जाए तो जो बिजनेस के लोग काम करते हैं वो बार लोन ले लेते हैं लोगों ने हर बार, तो उनके जो इनकम टैक्स जो रहते हैं, इनकम टैक्स के उसमें जो रहती है थोड़ी सी इनको छूट मिल जाती है, क्योंकि जब वो किस्त भरते हैं तो उसमें से वो हटा दी जाती है, तो उनकी जो टैक्सेबल जो इनकम रहती है, जो जितनी भी इनकम रहती है उसमें टैक्स कटना रहता है वो कम हो जाता है, तो टैक्स उनको कम जाता है। ठीक, अब हम आते हैं 15 क्वेश्चन पे। When the owner of the business withdraws cash as goods from the business for his period for his personal use, it is termed as drawings. कुल मिला के सिंपल सा चीज़ है, कोई ऐसा इसमें दिमाग नहीं है, और फालतू कैश आउटफ्लो डेप्रिसिएशन ये सब हटा दो, कोई मतलब नहीं है इसको सीखने से। ठीक है, जो किसी बिजनेस का जो ओनर है, ठीक है, मेरा बिजनेस है, मेरी कोई दुकान है और मैं दुकान के गल्ले में से पैसा निकालूंगा, ठीक है, और वो बिजनेस के यूज़ के लिए नहीं है, वो मेरे घर के खर्चों के लिए, तो कुल मिला के वो जो अपनी जो कैश बुक है सब में ड्रॉइंग्स में आ जाएगा। ठीक है, ओनर ने निकाले हैं क्योंकि सारा पैसा मेरा ही है, प्रॉफिट भी मेरा ही रहेगा तो पैसा भी मेरा ही है, तो मेरे को जो निकालना है वो ड्रॉइंग्स में आ जाएगा, वो एक्सपेंसिस में नहीं आएगा। तो एक्सपेंसिस में तब आता जब अगर वो मेरे पर्सनल यूज़ के लिए नहीं होता, कंपनी के यूज़ के लिए होता वो, ठीक है, कंपनी के यूज़ के लिए होता, जब वो कंपनी के यूज़ के लिए होता तब वो एक्सपेंसिस में आता, याद रखना, एक्सपेंसिस में तब आता जब वो कंपनी के यूज़ के लिए होता, पर पर्सनल यूज में है तो ड्रॉइंग्स में आएगा। अब हम आते हैं 16 क्वेश्चन पे। द बाइंग प्रोसेस स्टार्ट्स व्हेन, बहुत सिंपल सी चीज़ है, खरीदारी की प्रक्रिया शुरू कब होती है? तो इसका आंसर डायरेक्ट हम आंसर पे आ जाते हैं, द बायर रिकॉग्नाइज द नीड्स ऑफ सर्विस। अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए, कुछ खरीदना है, मेरे को आज मोबाइल खरीदना है,
तो मैं अभी से ही सोचने लग जाऊंगा उसके बारे में, ठीक है। और मेरे को जरूरत लगेगी कि हाँ खरीदना है, तो खरीदारी की प्रक्रिया तब से ही शुरू हो जाती है जब से मैं सोचना शुरू कर देता हूँ। अब कहाँ से खरीदूँ, कहाँ खरीदूँ, उसका भी इससे कोई लेना देना नहीं है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का था ये, मैनेजमेंट तो नहीं, इसे कॉमन सेंस का ही बोलूंगा क्वेश्चन में। अब आते हैं 17 क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रेट ऑफ लीडर्स हु बिल्ड ट्रस्ट इन द रिलेशनशिप बिटवीन देमसेल्फ एंड द फॉलोअर्स बाई बींग हेल्पफुल एंड नॉन डेसीफुल। कुल मिला के बस इतना पूछा है इसमें, कोई नेता जो है अगर उसको किसी अपने जो लोगों के बीच में, जितनी भी जनता है उनके बीच में अगर विश्वास बनाना है जो कि सत्यशील होगा और गैर धोखेबाज होगा, तो वो क्या होगा, उसमें किस टाइप के गुण होंगे। तो सीधी सी बात है, वो ईमानदारी और सत्यनिष्ठा वाला जो गुण होगा वही होगा। अब ये दूसरे जो है ड्राइव संचालन का तो मतलब नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस से किसी को लेना देना नहीं है, और नेतृत्व करने की क्षमता तो ऑब्वियसली बात है, अगर नेता है तो नेतृत्व करने की क्षमता है। पर कुल मिला के अगर लोगों से व्यवहार बनाना है, विश्वास बनाना है, तो ईमानदारी और सत्यनिष्ठा करके जो चीज़ रहेगी, जो गुण है, वही इस नेता को सफल बनाएंगे। अब आते हैं अपन 18 क्वेश्चन पे। ये सेट का सबसे जोरदार क्वेश्चन है, जोरदार इसलिए है क्योंकि इसमें मैनेजमेंट के सेक्शन में उन्होंने कंप्यूटर क्वेश्चन डाल दिया है। तो सीधी से सिंपल सा क्वेश्चन है, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू क्या है। सीपीयू का अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर सेट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो है सीपीयू के सबसे मेजर कंपोनेंट्स है, जो कि बेसिकली जो सीपीयू के ब्रेन का जो कंपोनेंट्स रहते हैं वो रहते हैं। तो याद रख लेना आप, ये भी कहीं पे भी आया हो, कहीं का भी क्वेश्चन कहीं पे हो, अपने को तो याद रखने से मतलब है। अब आते हैं 19वें क्वेश्चन पे। बैड डेब्ट्स आर रिकवर्ड फ्रॉम अ क्लाइंट, इट विल बी क्रेडिटेड टू दैट, हम इसके आंसर पे आ जाते हैं। बैड डेब्ट जो है किसी क्लाइंट से अगर लिए है तो कहाँ पे क्रेडिट होंगे, वो होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब बैड डेब्ट्स क्या है, वो किस टाइप के, तो बैड डेब्ट को वो बोलते हैं कि जो पैसा जो था मेरा बहुत लंबे टाइम से अटका हुआ था, अगर मैंने किसी को 1 लाख रुपए दिए हैं किसी अपने क्लाइंट को, और उसने बहुत मुश्किल से मैंने लिए हैं, पहले तो बैड डेब्ट हो गए थे, बहुत मुश्किल से अगर रिकवर हुए हैं, तो सीधे एक सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। जितनी भी दूसरी चीज़ें हैं, बैलेंस शीट और ये, तो आंसर बहुत कंफ्यूजिंग है, इनमें मत जाओ आप। अपना जो मेन जो आंसर है थर्ड वाला, क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, बैड डेब्ट ऐसे लिखो, बैड डेब्ट रिकवर्ड होंगे तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं 20th क्वेश्चन पे, वही नॉट ट्रू वाला जो इसका है अपना कंसेप्ट है पहले का, कि जितने भी नॉट ट्रू में अपने जो उसका आंसर है उसको काट देंगे हम सबसे पहले, तो सारी स्टेटमेंट जो है अपने पास ट्रू वाली स्टेटमेंट बन जाएगी। अभी अपना मकसद है सीखना है, अपने को एग्जाम से पहले पहले जितने भी कॉन्सेप्ट है सीखना है, ठीक है। तो ये सारी स्टेटमेंट ट्रू है, तो पहली स्टेटमेंट आ जाते हैं, बॉन्ड है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब होता है एक बॉन्ड का अंकित मूल्य अंकित होता है। एक मान लो कि बॉन्ड है, बॉन्ड बना है, तो बॉन्ड की कीमत भी, तो कितने का बॉन्ड बना है, 1 लाख का बॉन्ड बना है, 10 लाख का बॉन्ड बना है, तो जो फेस वैल्यू है वो होती है बॉन्ड की, ये ऐसी फाइनेंशियल वैल्यू कुछ भी आप उसको बोल लीजिए, बॉन्ड की कीमत होती है, ठीक है। अब जो तीसरा पॉइंट है इसमें, बॉन्ड इज डिस्काउंट इफ प्राइस इज लेस देन द फेस वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ है कि जो बॉन्ड की जो फेस वैल्यू है, ठीक है, अगर फेस वैल्यू बॉन्ड की 10,000 रुपये थी, ठीक है, और अगर उसकी जो डिस्काउंटेड मान लो अभी 9,000 दिखा रहा है, तो कुल मिला के उस बॉन्ड में डिस्काउंट बाद में हो गया है। तो 10,000 से अगर ये 9,000 हुआ है तो बॉन्ड में डिस्काउंट हो गया है, कुल मिला के ये कहना चाहता है, ऐसा होता भी है, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, प्रीमियम और डिस्काउंट ऑन द बॉन्ड इज द डिफरेंस बिटवीन डिटरमाइंड प्राइस एंड इट्स फेस वैल्यू, ठीक है। अब इसको ऐसा हिंदी में एक बार देख लो, द बॉन्ड पर एक छूट का या प्रीमियम उसकी निर्धारित कीमत और अंकित मूल्य के बीच का अंतर होता है। तो ये कुल मिला के डिफरेंस पूछा है, जो 1,000 रुपये जो है, देखो बॉन्ड का अंकित मूल्य है 1,000 रुपये, चलो 10,000 रुपये अपन मान लेते हैं, बड़ा जो अक्षर रहते हैं वो अच्छे लगते हैं, 10,000 रुपये बॉन्ड की कीमत है और उसकी निर्धारित कीमत है 9,000 रुपये, ठीक है, उसकी निर्धारित कीमत 9,000 रुपये है, तो उस पर जो छूट है वो 1,000 रुपये की मिली है। तो ये सारे इसमें बहुत ही मिले जुले ही चीज़ें हैं, कोई ऐसी कुछ खास इतना है भी नहीं फर्क इसमें। तो जो प्रीमियम है या एक बॉन्ड पर छूट या प्रीमियम जो है उसकी, वो 1,000 रुपये की है, ठीक है। जो 10,000 रुपये जो उसकी फेस वैल्यू थी और 9,000 रुपये डिस्काउंटेड वैल्यू है, 1,000 रुपये जो है उसकी जो वो क्या बोलेंगे, छूट या प्रीमियम। हम आते हैं 21वें क्वेश्चन पे, फाइनेंशियल अकाउंट्स आर प्रिपेयर फॉर द ट्रांजेक्शन हैपनिंग विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम 12 मंथ्स। बहुत सिंपल सा है ये क्वेश्चन, जो फाइनेंशियल अकाउंट जो है पूरे साल भर के हिसाब से चलती है, एक एक साल का जो फाइनेंशियल ईयर जो होता है 1 अप्रैल से लेके, याद रखना आप, ये भी आ सकता है फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है, इसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, आप इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है, ठीक है। और अब ये जो है वो 12 महीने की उसकी टेन्योर रहती है, इसमें कुछ ऐसा है भी नहीं। अब हम आते हैं 22वें क्वेश्चन पे, विच अप्रोच स्टिमुलेट्स दैट मटेरियल शुड अराइव जस्ट एज वेन दे आर नीडेड। ये सिंपल सा बहुत आंसर है इसमें, इसके लिए दूसरी चीज़ें सब काट देता हूँ, डायरेक्ट अपन आंसर पर फोकस करते हैं।
जस्ट इन टाइम जो है थ्योरी इस टाइप की है कि कोई सामान आया इस टाइम आया और उसी टाइम ही मेरे को चाहिए, तो जस्ट इन टाइम थ्योरी अप्रोच हो जाएगी, वो ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है समझने में। तो अब थोड़ा कॉमन सेंस का भी है इसमें क्वेश्चन ये। तो अभी 23वें क्वेश्चन पर हम आते हैं, वॉट आर द थ्री मेन टाइप्स ऑफ अथॉरिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में अच्छे से, डायरेक्ट हम इसके आंसर पे आ जाते हैं। लाइन, स्टाफ एंड फंक्शनल अथॉरिटी है किसी ऑर्गेनाइजेशन पे, वो सबसे इंपॉर्टेंट अथॉरिटी होती है किसी संस्था की, उनके बिना जो है काम नहीं हो पाता है। अभी जब अपन आगे इसके वीडियो लेक्चर से पढ़ेंगे तभी लाइन, स्टाफ और फंक्शनल अथॉरिटी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है किसी भी संस्था में, आप याद रख लेना, ठीक है। लाइन, स्टाफ एंड फंक्शनल, ये दूसरे जितने भी हैं इनको आप अभी मत पढ़ो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। लाइन, स्टाफ और फंक्शनल अथॉरिटी जो है किसी संस्था में सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अब हम आते हैं 24वें क्वेश्चन पे। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन टोटल करंट एसेट्स ऑफ द बिजनेस कंसर्न इज नोन एज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये कि टोटल करंट एसेट्स है, मतलब जब ये टोटल जितने भी कंपनी की जो वो है संपत्ति है, एसेट्स है, जैसे बिल्डिंग हो गई, गाड़ी हो गई, जो कुछ भी हो कंपनी के पास में, फर्नीचर हो गया, वो किस चीज़ से मतलब रखती है, वो रखती है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल से। ग्रॉस होगा, ग्रॉस मतलब होता है टोटल, सकल बोलते हैं, टोटल सकल कार्यशील पूंजी से होगा, ठीक है। और ये नेट वर्किंग कैपिटल तो बाद में निकलता है, और परमानेंट वर्किंग कैपिटल तो कुछ होता ही नहीं है, सेमी वैल्यूएबल वर्किंग कैपिटल का भी इसमें कोई नहीं है। तो टोटल करंट एसेट्स जब आ जाए उससे रिलेटेड फाइनेंशियल पूछें तो ग्रॉस, आप ग्रॉस ही वर्ड आप ध्यान रखना। तो आते हैं 25वें क्वेश्चन पे। विच अप्रोच कंटेंडेड दैट द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म इज नॉट एट ऑल अफेक्टेड बाय द कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसके डायरेक्ट हम आंसर पे आ जाते हैं, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ये एक ऑनलाइन फैक्ट है, आप इसको पीछे से याद रख लो कि नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या होती है, जो कि ये कहती है कि जो कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है वो कैपिटल स्ट्रक्चर से अफेक्ट नहीं होगी, बस यही कहना है उसका। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस टाइप से लिख रहे हैं, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच जो है कंपनी की मार्केट वैल्यू जो है जो कैपिटल स्ट्रक्चर से उसका कोई भी फर्क नहीं आता, एक नेट इनकम ऑपरेटिंग अप्रोच के तहत इस टाइप का ज्ञान दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे इस सेट के 25 क्वेश्चंस, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये। अब आगे इसमें नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं।